नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। आज तारीख हो गई है 5 मई। चलिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें जानते हैं। मणिपुर में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया है। चुनाव से पहले मोदी का राजस्थान दौरा, 8वीं का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी हो सकता है। गहलोत ने दिया 40,000 रुपए का बड़ा तोहफा। प्रदेश से ऐसी 25 बड़ी खबरें सामने आ रही है और आप इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले, शहर, गाँव, ढाणी से देख रहे हैं, अपने क्षेत्र का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए पहली और सबसे बड़ी खबर जानते हैं। मणिपुर में सरकार ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया है। इलाकों में धारा 144 लागू है। राज्य में अगले 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। दरअसल बुधवार को आदिवासियों के प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। इसके बाद 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। आर्मी और असम राइफल की 55 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। 9,000 लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। इसको लेकर जैसे अपडेट आती है तो सबसे पहले जानकारी आपको मिलेगी। राजस्थान 8वीं बोर्ड का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। उम्मीद है कि बोर्ड 8 मई को रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि अभी रिजल्ट जारी होने की तारीख और समय की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। बोर्ड रिजल्ट जारी करने से पहले रिलीज डेट की सूचना देगा, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले जानकारी आपको मिलेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि 55,000 रुपए सस्ती हुई हीरो वीडा। हीरो मोटोकॉर्प ने इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर वीडा की कीमतें कम करने का ऐलान कर दिया है। एंट्री लेवल वीडा A1 प्लस अब 25,000 रुपए सस्ता हो गया, जबकि टॉप ऑफ द लाइन वीडा A1 प्रो की कीमतों में 19,000 रुपए की कटौती की गई है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि जयपुर में दिन दहाड़े बदमाशों ने बैंक लूट लिया। 2 हथियारबंद बदमाश राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में घुसे और कर्मचारियों को बंधक बना लिया। महज 2.5 मिनट में 5,00,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। खबर मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी कराई पर बदमाश पकड़ में नहीं आई। अगली बड़ी खबर आ रही है कि मौसम विभाग की माने तो जयपुर में आज आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। वहीं 6 मई को जयपुर का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं 6 मई को जयपुर में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। 7 और 8 मई को जयपुर में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि जोधपुर में स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में ऑल वेदर स्विमिंग पूल खुलेगा। भरतपुर में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स तथा बारा के शाहबाद में स्टेडियम व खेल छात्रावास बनाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22,68,00,000 रुपए की वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि पशुपालकों को बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुपालकों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत दुधारू गौवंशों के साथ अब दुधारू भैंस का भी बीमा सरकार मुफ्त में करेगी। महंगाई राहत कैंप के तहत मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में 40,000 रुपए तक का बीमा पूरी तरह निःशुल्क होगा। राज्य सरकार ने इस फैसले को पशुपालकों की समृद्धि के लिए ऐतिहासिक पहल बताया है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि टोंक जिलों में 15 दिन में रुकवाए 9 बाल विवाह। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर मिली थी शिकायत। अभियान के तहत बाल विवाह करने वाले बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई करने और 1,00,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल का कारावास या फिर दोनों ही सजा मिलने की बात बताई गई है। जब दोस्तों ये सीख दी जा रही है गाँव और शहरी क्षेत्रों में जो भी बाल विवाह कराते हैं उन लोगों को कि आपको 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और आपको 2 साल की सजा भी हो सकती है। अगर दोस्तों आपके एरिया में कहीं भी बाल विवाह होता है तो आपको सूचना करने पर 2100 रुपए का इनाम भी मिलेगा। अगली बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों के जरिए सरकार ग्रामीण व शहरी खेल प्रतिभाओं को निखारने पर फोकस किया जा रहा है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल का रोमांच जल्द ही नजर आएगा। अब ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का एक साथ आयोजन होगा। अगले महीने से ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो जाएगा और खेल विभाग के अनुसार इसका विस्तृत कार्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। 23 जून से प्रतियोगिता शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ये खेल शामिल किए गए हैं। शहरी खेल में कबड्डी, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स में 100, 200 और 400 मीटर की दौड़ रखी गई है। खो खो केवल महिला वर्ग के लिए है, फुटबॉल पुरुष वर्ग के लिए है। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो टेनिस बॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो व रस्साकसी केवल महिला वर्ग के लिए और शूटिंग बॉल केवल पुरुषों के लिए। अगली बड़ी खबर आ रही है कि 12 मई को सिरोही में जनसभा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को राजस्थान के सिरोही जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा का एक पदाधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। और पार्टी सूत्रों ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले, चुनाव से कुछ ही महीने पहले अन्य वरिष्ठ नेता भी कर्नाटक के चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए राजस्थान का दौरा शुरू करेंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के इस महीने राजस्थान का दौरा भी कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है कि सांप काटने पर तांत्रिक करता रहा झाड़ू फूंक। 10 साल के केशव की जान शायद बच गई होती, समय रहते अगर उसे डॉक्टर के पास ले जाया होता। अफसोस उसके घर वालों ने ऐसा नहीं किया। सांप काटने के बाद उसे भोपा यानी कि तांत्रिक के पास परिवार वाले ले गए। करीब 6 घंटे बाद भोपा इलाज के नाम पर डोंग करता रहा, कोई फायदा नहीं हुआ तो परिवार वाले दूसरे भोपे के पास ले गए। उसने करीब 4 घंटे तक झाड़ू फूंक किया, फिर भी केशव जान नहीं फूंक पाया और उसकी जान चली गई। रात भर भोपे एक मासूम की जान से खेलते रहे और तमाशाबीन उसके परिवार वाले बने रहे। अंधविश्वास का ये मामला करौली जिले के हिंडोनी इलाके का है।